सो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हो सिडोलॉजी टेक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आगे हो अड़ी ने वीडियो लेकर। ये है मेरे हाथ में Redmi 9। गाइस आप लोगों के लिए मैं कोई सा भी Xiaomi के डिवाइस के अंदर जिसके अंदर जो ग्रे बैकग्राउंड का इशू है, एंड बहुत सारे लोग मेरे को कंप्लेन कर रहे थे कि Redmi 9 के ऊपर कुछ भी वीडियो बना नहीं रहा हो, ठीक है, एंड Redmi 8 के ऊपर भी नहीं बना रहे हो, क्यों बना नहीं रहा हो, ठीक है। तो मैं आज Redmi 9 के ऊपर एक ट्रिक आजमाने वाला हूँ, या कोई सा भी Xiaomi के डिवाइस के अंदर ये कर सकते हो, जिसके अंदर ये जो ग्रे बैकग्राउंड है इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो एक चुटकी से, जैसे मैं अभी करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू technoverse.net, उस चैनल से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो मैं इस वीडियो को अपने तरीके से वीडियो को बना रहा हूँ। ओके, तो 1 2 3 3 शुरू। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कंट्रोल सेंटर को पूरा बदल दिया ग्रे से नॉर्मल। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है मेरे हाथ में Redmi 9। सबसे पहले मैं मतलब बताना चाहता हूँ, जो Xiaomi डिवाइस पुराना डिवाइस है जिसके अंदर ये जो ग्रे बैकग्राउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे लेफ्ट हैंड में है Redmi Note 5 Pro एंड राइट हैंड में है Redmi 9। तो Redmi 9 के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ Redmi 9 के लिए ही नहीं, ये Redmi 8, 8A Dual, 7, 7i, कोई भी Redmi का डिवाइस, बट हाँ Android 10 होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो वो प्रोग्रेस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना होगा सेट एडिट नाम का एक एप्लीकेशन। तो आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ है सेट एडिट सेटिंग्स डेटाबेस एडिटर, तो इसको बिना किसी दिक्कत के आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैं अभी इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंट्रोल सेंटर एकदम डार्क ग्रे है, तो मैं कैसे इसको करूंगा चेंज पूरा आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, वीडियो को स्किप भी मत करना। एंड आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में नोट 5 प्रो है, ये नोट 5 प्रो की तरह ही मैं पूरा अपना जो राइट फोन के अंदर Redmi 9 के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे फोन को रख दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। सो अभी मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, ओपन करने के बाद आप लोग को एक वार्निंग आएगा, सो इस वार्निंग को थोड़ा सा टाइम दे देना है, ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। सो तब तक के लिए स्क्रीन काम नहीं करेगा क्योंकि ये वार्निंग आप लोग को दिखाएगा। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, जैसा है वैसा ही रहना है। ऊपर की तरह आप लोग देख सकते हो सिस्टम टूल्स एंड द डिवाइस नाम का कुछ है, ठीक है, तो इसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। अगर चेंजेस है तो आप लोग को फर्स्ट में सिस्टम टेबल एंड द डिवाइस के अंदर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, एंड उसके बाद आप लोग को नीचे की तरफ आना है एंड सर्च यहाँ पर आप लोग को देख लेना है डार्क मोड कहाँ पर है, ठीक है। डार्क मोड लेवल करके कुछ है यहाँ पर, आप लोग, मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कहाँ गया, मैं पहले एक बार देख लेता हूँ कहाँ गया। हाँ, मेरे को मिल गया है, आप लोग देख सकते हो डिलीट साउंड इफेक्ट्स के नीचे है डिवाइस लेवल लिस्ट, इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर V1C1 लिखा है, ठीक है। एडिट वैल्यू यहाँ पर आप लोग G2 भी कर सकते हो या G3 भी कर सकते हो, ठीक है, C1 की जगह C2 या 3 करते हो, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको चेंज कर दो, 2 या 3 जो मर्जी, बट सेम रखना, मैंने 3 कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, देखो अभी मैं इसको रिबूट करूँगा, ठीक है, अभी इसको मैं सबसे पहले रिबूट कर लूँगा। सो अभी मेरा जो Redmi 9 है, असल में ये मेरा नहीं है, मेरा एक दोस्त का है, तो उस दोस्त ने मेरे को फ़ोन दिया वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे मैसेज मेरे को कर रहे थे Redmi 8, Redmi 9 एट्सेट्रा, Redmi 8A Dual भी फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा ये प्रॉब्लम को आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हो, ये आप लोग Redmi Note 7, Redmi Note 8 के अंदर भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi का लोगो आ चुका है, MIUI का भी लोगो आ चुका है। तो चलो भाई हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि इसके अंदर क्या चेंजेस है गाइज। सो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो मेरा फोन बूट अप कर चुका है, एंड मैं थोड़ा सा अपना पासवर्ड दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने फोन को रिबूट हो जाने के बाद थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, नहीं तो लैग करेगा थोड़ा सा। चलो भाई ऊपर की तरफ से नीचे नमाता हूँ, थोड़ा सा हल्का लैग कर रहा है, बट कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सा अभी फ़ोन रिबूट हुआ है तो इसी कारण थोड़ा सा लैग कर रहा है लो एंड डिवाइस के अंदर। तो ये प्रॉब्लम 1 से 2 मिनट तक चलेगा, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये मेरी वादा है। एंड अगर ये मैंने जो वैल्यू किया है 3 को, आप लोग 2 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी आप लोग देख सकते हो बहुत ही स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ से अभी वर्क कर रहा है, एंड नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है गाइज, ठीक है। एंड मैं आप लोग को और एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को ये भी दिखाने वाला हूँ, पहले आप लोग चेक कर लो उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। सो अभी आप लोग देख लो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Xiaomi का Note 5 Pro एंड Redmi 9 दोनों का ही कंट्रोल सेंटर सेम हो चुका है, कोई रूट नहीं, कोई मॉड एप्लीकेशन नहीं, कुछ भी नहीं, जो प्ले स्टोर में है वैसे ही मैंने किया है, कोई भी बूट लोड अनलॉक कुछ भी नहीं, ठीक है।
सो आप लोगों को क्या करना होगा, देखो अभी अगर चाहते हो तो नॉर्मल में रिटर्न करने को, तो आप लोग फिर से सेट एडिट के अंदर जाना है। सेट एडिट के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी छिड़कानी नहीं करना है। फिर से आप लोगों को डार्क मोड टाइप का कुछ नाम खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डार्क मोड तो यहाँ पर नहीं है, डिवाइस लेवल लिस्ट है, डिवाइस लेवल लिस्ट के अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट वैल्यू को आप लोग क्या करना होगा, देखो यहाँ पर 3 है, इसको 1 कर दो, एंड यहाँ पर 3 के अंदर सी के पास जो 1 है उसको भी 1 कर दो, ठीक है, जो 3 था सी के पास तो 1 कर दिया। अभी रिबूट कर लो बिना किसी दिक्कत के। तो अभी गाइस देख ही सकते हो फोन रिबूट हो चुका है, मतलब कि हो रहा है। चलो भाई फोन तो बूट अप कर चुका है, मैं फिर से अपना फोन का पासवर्ड दे देता हूँ। तो चलो भाई आगे, ये कंप्लीट हो चुका है। देखो गाइस पूरा जैसा नॉर्मल था आपका डिवाइस, जो ग्रे बैकग्राउंड पुराना घिसा पिटा हुआ वही प्रॉब्लम फिर से आ गया है, जब भी मैंने वैल्यू को चेंजेस कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। अगर प्रॉब्लम को चाहते हो वैसे ही रखना तो वैसे रख सकते हो, नहीं तो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो गाइस ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।